स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7C. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए डेसिमल ऑफ किलोमीटर. ठीक है, तो हमें गिवन जो यूनिट्स हैं उनको किलोमीटर में चेंज करना है एंड देन उनको डेसिमल फॉर्म में शो करना है. ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ए में देखेंगे 5 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर एंड 5 मीटर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे यहाँ 5 किलोमीटर दिया हुआ है. ओके, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ इसको आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये सेम यूनिट में है. ओके, तो अब आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट यूनिट पे देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट 1 हेक्टोमीटर. ठीक है, 1 हेक्टोमीटर दिया हुआ है, इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वी नो दैट 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1/10 किलोमीटर. ओके, तो यहाँ 1 हेक्टोमीटर की बात हो रही है, देन वी विल राइट हियर 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1/10 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट देखेंगे 2 डेकामीटर. ओके, 2 डेकामीटर. ओके, तो वी हैव टू चेंज इट इन किलोमीटर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, वी नो दैट 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1/100 किलोमीटर. ओके, ये 1/100 किलोमीटर के इक्वल होता है. ओके, तो यहाँ पे 2 डेकामीटर है, तो आप क्या करोगे, 2 डेकामीटर इक्वल टू 2/100 किलोमीटर. ओके, इसको ऐसे राइट कर लोगे. ठीक, नेक्स्ट आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, तो 2/100 को आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे देन आप देखोगे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस बनाने पड़ेंगे, तो हमने ज़ीरोज़ को रिमूव कर दिया और 2 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए हमें यहाँ पे बिफोर 2 के 0 पुट किया. ठीक है, अब यहाँ पे आप डेसिमल पुट कर दो, देन योर आंसर बिकम 0.02 किलोमीटर. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 मीटर. अब मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. ओके, तो यहाँ पे तो 5 मीटर दिया हुआ है, सो वी हैव टू चेंज इट 5 मीटर इक्वल टू 5 × 1/1000 मीटर किलोमीटर. ओके, क्योंकि हमें किलोमीटर में चेंज करना है. ओके, तो अब आप क्या करोगे, इसको चेंज कर दो, तो 5/1000 किलोमीटर हो गया. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करो 1, 2, 3, इसको रिमूव कर दिया तो हमें 3 डिजिट ऊपर भी बनाने पड़ेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने पड़ेंगे, तो हम बिफोर 5 के 2 ज़ीरोस को प्लेस करेंगे. ओके, एंड यहाँ पे डेसिमल को पुट करेंगे. नाउ ये बन गया 0.005 किलोमीटर. ओके, अब ऐड कर देंगे सभी को, तो आपके पास क्या है, 5 किलोमीटर प्लस हमने 1/10 को चेंज करना था, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 किलोमीटर प्लस अभी आपके पास 2 डेकामीटर था तो उसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो आंसर आ रहा था 0.02 किलोमीटर प्लस 5 मीटर को हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर में, तो आंसर आ रहा है 0.005. ओके, यहाँ पे 0.5 किलोमीटर. अब आप क्या करोगे, देन नाउ यू ऐड इट, आप सभी को ऐड कर दो, देन योर आंसर बिकम 5.125 किलोमीटर. ओके, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट देखिए 9 किलोमीटर, 3 डेकामीटर एंड 4 मीटर. तो 9 किलोमीटर तो एज इट इज़ रहेगा. ओके, यहाँ पे 9 किलोमीटर एज इट इज़ रहेगा. अब आपको चेंज करना होगा डेकामीटर को. ओके, देन वी नो दैट 1 डेकामीटर इक्वल टू 1/100 किलोमीटर. ओके, सो 3 डेकामीटर इक्वल टू होगा
3 into 1 by 100 kilometer. ओके, तो अभी क्या चेंज हो गया आपका, 3 by 100 किलोमीटर. ओके, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल फॉर्म में, तो 0 से 0 रिमूव, ठीक है, टू डिजिट है तो टू डेसिमल प्लेसेस बनाने होंगे, तो हम 3 के बिफोर 0 प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.03 किलोमीटर. ओके, नाउ अब हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई 1000 किलोमीटर के. ओके, क्योंकि हमने पहले बताया है आपको. नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 4 बाई 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं, तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस बनानी होंगी, तो यहाँ पे हम 4 के बिफोर 2 जीरो को प्लेस कर देते हैं. तो आप क्या करोगे, अब जीरोस को रिमूव कर दो, 1, 2, 3, अब आप यहाँ पे डेसिमल लगा दो. ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, 0.004 किलोमीटर. ठीक है, अब आपको सारे मिल गए कन्वर्टेड फॉर्म में, किलोमीटर में मिल गए आपको सारे यूनिट्स, तो आप ऐड कर दो इनको, 9 किलोमीटर प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.03 किलोमीटर, एंड प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.004 किलोमीटर. ओके, देन योर आंसर बिकम 9.034 किलोमीटर. ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट सी एंड डी को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए डेसिमल ऑफ मीटर. ठीक है, तो हमें जो गिवन जो यूनिट्स हैं उनको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो 5 मीटर 2 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसको आप 5 मीटर को एज इट इज़ रहने दीजिए, आपको सिर्फ चेंज करना होगा डेसीमीटर को सेंटीमीटर को मीटर में. ओके, तो आप क्या करोगे, 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1/10 मीटर के. ओके, नाउ 2 डेसीमीटर कुछ कन्वर्ट करना है, तो 2 डेसीमीटर विल बी 2/10 मीटर. ओके, देन अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 2/10 को आप कन्वर्ट करोगे तो जीरोस रिमूव करो, यहाँ पे 10 है तो 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली आप डेसिमल लगा दो. नाउ योर आंसर बिकम 0.2 मीटर. ओके, अब आपने डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर. ओके, नाउ 5 मीटर को कन्वर्ट कीजिए, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/100 मीटर. ओके, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 5/100 यहाँ पे आप देख रहे हो 2 जीरोज़ हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस बनाने होंगे, तो हमें 0 को प्लेस करना होगा बिफोर 5 के. देन अब आपका क्या बन गया, ये आप जीरोस को रिमूव कर देंगे एंड डेसिमल पुट कर देंगे, देन ये आपका आंसर जाएगा 0.05 मीटर. ठीक है, तो अब आपको मिल चुका है आपका डिज़ायर्ड यूनिट्स, अब ऐड कर दीजिए 5 मीटर प्लस 0.2 मीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर. ओके, नाउ योर आंसर बिकम 5.25 मीटर. ओके, दैट इज योर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पे 19 मीटर है एंड 9 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर को कन्वर्ट कर दिए, तो अभी हमने किया था 9/10 कर देंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 9/10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देन आप इसको रिमूव कर देंगे जीरोस को, तो ये हो जाएगा 0.9 या 0.9 मीटर। नाउ अब आप इसको ऐड कर सकते हो, तो 19.9 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है सी भी, आप सिंपली सेंटीमीटर में अभी हमने कन्वर्ट किया था, तो आप इसको 4 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, नाउ ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। देन आप इसको जीरोस को रिमूव करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो को प्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस थे, तो 2 डेसिमल प्लेसेस बनानी होंगी, तो हमने प्लेस कर दिया। नाउ योर आंसर इज 0.04। अब देखिए आपकी सारी यूनिट्स मिल चुकी हैं, सारी सेम यूनिट्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पे 16 मीटर प्लस 0.04 मीटर, नाउ योर आंसर इज 16.04 मीटर। ओके, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थर्ड देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए डेसिमल ऑफ किलोग्राम, इस यहाँ पे हमें किलोग्राम में चेंज करना है यूनिट्स को, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 kg गिवेन है, ठीक है, एंड आपको हेक्टोग्राम को चेंज करना है, डेकाग्राम को चेंज करना है एंड ग्राम को चेंज करना है, ठीक है। तो वी नो दैट 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1/10 किलोग्राम। ओके नाउ, तो अभी आपको पता चल गया इसको हमें कन्वर्ट करना है। ओके अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके तो 1/10 को जीरोज हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को फिक्स करेंगे, एंड नाउ इट बिकम 0.1 kg, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे हमें 2 डेकाग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में। ओके तो वी नो दैट 1 डेकाग्राम इक्वल टू 1/100 kg किलोग्राम। ओके नाउ 2 डेकाग्राम विल बी इक्वल टू 2/100 किलोग्राम। ओके सो अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.02 और 0.02 kg। ओके सेम है, ग्राम को भी चेंज करेंगे, तो हम 5 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वी नो दैट 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 kg की। ओके तो 5 kg इक्वल टू होगा, 5 ग्राम इक्वल टू होगा 1/1000 × 5। ओके नाउ इट बिकम 5/1000 किलोग्राम। ओके अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 जीरोस हैं तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस बनानी होंगी, तो 2 जीरोस को हम प्लेस करेंगे 5 के बिफोर, नाउ अब रिमूव करेंगे हम जीरोस को, तो डेसिमल लगा देंगे। ओके आफ्टर 3 डिजिट, इसके बाद आपको ये कन्वर्ट हो गए सारी। नाउ अब हमारे सारे जो यूनिट्स थे वो सेम यूनिट्स में आ चुके हैं, तो अब ऐड करेंगे हम 5 kg प्लस 0.1 kg प्लस 0.02 kg प्लस 0.005 kg। अब हम इसको ऐड करते हैं। ओके नाउ इट बिकम 5.125 kg, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके 2 kg
देखिए 2 kg, सेकेंड क्वेश्चन डेकाग्राम है, ग्राम है, तो आपको पता है कि डेकाग्राम जो होता है वो 1/100 होगा kg के इक्वल। तो यहाँ पे 1 decagram इक्वल टू 1/100 किलोग्राम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 7 decagram है, तो आप यहाँ पे हो जाएगा 7/100 kg के। ओके, तो आप क्या करो, जीरोस को हटा दो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 0.07 kg। ओके, एंड 4 ग्राम है, तो आपको पता है 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ओके, ना तो यहाँ पे 4 ग्राम है, तो आप 4/1000 कर दो, ठीक है, केजी के। एंड फिर ये क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, तो इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.004 किलोग्राम। ओके, अभी आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2 kg प्लस 0.07 kg प्लस 0.004 kg। ओके, आप ऐड कर दो, नाउ इट बिकम 2.074 किलोग्राम। ओके, दैट इज़ योर आंसर। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 में आप देखो, क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। ओके, तो वी नो दैट 1 decaliter इक्वल टू 10 liter। ओके, सो 5 decaliter इक्वल टू 5 × 10 liter, दैट इज इक्वल टू 50 liter। ओके, ये हमने चेंज कर लिया decaliter को लीटर में। ओके, लीटर तो गिवे नहीं है, तो इनको चेंज नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी विल चेंज डेसीलीटर इनटू लीटर। तो वी नो दैट 1 decaliter इक्वल टू 1/10 liter। ओके, तो सो 3 decaliter इक्वल टू 3 × 1/10 liter। ओके, 3/10 liter को आप चेंज करोगे डेसिमल फॉर्म में, देन इट बिकम 0.3 liter। ओके, यू कैन राइट 0.3 liter। ओके ओके, सेंटीलीटर को चेंज करना है, तो वी नो दैट 1 centiliter इक्वल टू 1/100 liter। ओके, अब आप क्या करो, इसको चेंज कर दो, ठीक है, 2 centiliter को लीटर में, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 centiliter विल बी इक्वल टू 2 × 1/100 liter। ओके, नाउ आप इसको लिख सकते हो 2/100 liter आफ्टर कन्वर्जन इन डेसिमल, इट बिकम, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 0.02 liter। ओके, एंड अब ml पे चेंज करना है, तो वी नो दैट 1 ml इक्वल टू 1/1000 liter। ओके, तो सो 5 ml will be equal to 5 × 1/1000 liter। ओके, अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 5/1000 liter। सो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 0 से 0 कट करो, सो आप यहाँ पे आपको 2 zeros
प्लेस करने पड़ेंगे क्योंकि थ्री जीरोस थे नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो आप इसको फिर थ्री जीरो प्लेस कर दो एंड फिर इसके बाद आप डेसिमल को पुट करो। नाउ इट बिकम 0.005 लीटर, दिस इज़ योर आंसर। फिर इसके बाद आप सारी लीटर्स जो हैं, सारे जो यूनिट्स थी वो लीटर्स में कन्वर्ट हो गई हैं, आप फिर ऐड करो। तो फर्स्ट आया था 50 लीटर, सेकेंड है आपका 8 लीटर, नाउ फिर था आपका 0. डेसी लीटर को लीटर में कन्वर्ट किया था तो 0.3 लीटर, सेंटीलीटर को जब चेंज किया था तो 0.02 लीटर आया था, ओके। एंड जब हमने ml को चेंज किया था तो ये आया था 0.005 लीटर, ओके, इसमें कन्वर्ट हुआ था। अब आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो। तो योर आंसर इज़ 58.325 लीटर, ओके, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए डेसिमल ऑफ किलोमीटर, ओके। तो हमें जो गिवन क्वेश्चंस हैं वो सारी यूनिट्स अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो हम इनको चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको पता है मीटर को जब हम चेंज करते हैं किलोमीटर में तो 1000 का डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 1 meter इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर के होता है, ओके। सो यहाँ पे आपको देखो 533 मीटर दिया हुआ है, 533 मीटर, तो आप इसको डिवाइड कर दो। तो आप क्या लिखोगे, 533 मीटर इज़ इक्वल टू 533 इंटू 1/1000 किलोमीटर, ओके। देन आप इसको डिवाइड करो। नाउ 533 इज डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर में रखोगे आप, यूनिट आप राइट करोगे ऑलवेज, ओके। एंड अब आप इसको डिवाइड करो, 1, 2, 3, थ्री जीरोज़ हैं तो थ्री डेसिमल प्लेसेस बनेंगे, तो ऊपर थ्री डिजिट है, तो हम यहाँ पे सिंपली डेसिमल को लगा देंगे। नाउ योर आंसर बिकम 0.533 किलोमीटर, ओके, ये आपका कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है 4734 डेकामीटर, ओके। तो हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो वी नो दैट 1 decameter इज इक्वल टू 1/100 किलोमीटर, ओके। सो यहाँ पे 4734 डेकामीटर है, तो आप यहाँ पे राइट करो 4734 डेकामीटर इज इक्वल टू होगा 434 इंटू 1/100 किलोमीटर, ओके। सो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 4734 को, ओके, 100 से, ठीक है। नाउ आपके पास टू जीरोज़ हैं, जीरोज़ को रिमूव करेंगे एंड ऊपर टू डेसिमल प्लेसेस चाहिए हमें, तो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ओके, और यहाँ पे हम टू डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे, ओके। नाउ योर आंसर बिकम 47.34 किलोमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। इस तरह से देखिए सेम क्वेश्चन है आपको, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपने देखा ए थर्ड ए का एंड 5C का लास्ट क्वेश्चन, 5C जो लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली
हेक्टोमीटर गिवन है, किलोमीटर गिवन ही है, हेक्टोमीटर गिवन है, डेकामीटर गिवन है, मीटर गिवन है, ठीक है। आपको सिंपली इनको चेंज करना है, ठीक है। तो किलोमीटर को हमको चेंज ही नहीं करना है, ओके, क्योंकि किलोमीटर में दिया ही है, ओके। नेक्स्ट हेक्टोमीटर में कन्वर्ट को तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो 6/10 से डिवाइड कर देंगे, देन आपका आंसर हो जाएगा 0.6 किलोमीटर, ओके। नाउ अब आप डेकामीटर को चेंज करते हो तो किलोमीटर में, तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो 8/100 किलोमीटर, ओके। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.08 किलोमीटर, ओके। एंड थर्ड है 3 मीटर, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो अब आपका आंसर हो जाएगा 0.003 किलोमीटर, ओके। नाउ यू कैन ऐड ऑल 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 किलोमीटर प्लस 0.6 किलोमीटर प्लस 0.08 किलोमीटर 0.003 किलोमीटर, ओके। अभी आप ऐड करके देखो इसको, तो आंसर आपका होगा 5.683 किलोमीटर, दैट इज़ योर आंसर, ओके। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई।